नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। रागगिरी मंच है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर बातचीत का और भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़े कलाकारों को आपसे मिलवाने का। और आज जिस कलाकार से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो इस पीढ़ी के उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने अपनी एक अलग ही चमक बिखेर रखी है। मैं बेहद विनम्रता से स्वागत कर रहा हूं राहुल देशपांडे जी का। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रागगिरी के इस प्लेटफॉर्म पर। नमस्ते शिवेंद्र जी। राहुल, शुरुआत तो इसी से करते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और एक बार फिर कोरोना की चपेट में दुनिया के तमाम देश आ चुके हैं। ऐसे में जो आपका वक्त है, आप कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और आपने खुद को कैसे सकारात्मक बनाए रखा है इस मुश्किल वक्त में, ये हमें बताएं। जब से लॉकडाउन हुआ है आई थिंक मुझको थोड़ा सा वक्त मिला फैमिली के लिए, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा वक्त मिला। पर इसके पहले मेरी अभी बच्ची 5 साल की है और मैं कभी इन अ मंथ आई थिंक आई यूज़ टू ट्रैवल फॉर मोर देन 15-20 डेज एंड आई यूज़ टू बी हार्डली एट होम। और जब भी मैं घर पे रहता था तो कुछ रिकॉर्डिंग है या कुछ चलता रहता था या गाना सिखाना है, ये सब चीज़ें चलती रहती थी। पर लॉकडाउन जब से डिक्लेयर हुआ आई थिंक इट वॉज एन अनकम्फर्टेबल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। इनिशियली मुझको लगता है कि लाइक डूइंग हाउस चोर्स, क्योंकि द हेल्प वॉज नॉट अवेलेबल और हमारा घर काफ़ी बड़ा है तो इसलिए झाड़ू लगाना हो या पोछना हो या बर्तन साफ करना हो, ये जो सबने किया वो मैंने भी किया। एंड आई सिंसियरली यू नो एन्जॉयड एवरीथिंग। सो वो पहले आई थिंक पहले 2 महीने मैंने किया। और एक बात मैंने की कि रियाज के लिए जो वक्त मिलना चाहिए वो मुझको बहुत सालों में नहीं मिला, इसलिए मैंने पहले 3 महीने रिगर्स जिसको रियाज बोलते हैं वो मैंने ट्राई किया और मुझको एक बात समझ में आ गई जो एक्सपीरियंस से ही समझ में आती है, जिसको हम अनुभूति कहते हैं, कि रियाज की एक उम्र होती है। मैं उस रियाज की बात कर रहा हूँ जो यानी हम 8 या 10 घंटा जो करते हैं उसकी एक उम्र होती है। और उसके बाद रियाज इन द लेटर ईयर्स इज ओनली अबाउट आई थिंक अगर एक लड़ी या एक फ्रेज अगर गले से उतर नहीं रही है तो उसकी वो साफ करना इतना ही होता है। और रियाज आई थिंक ऐसी चीज है कि एक होता है अपने स्किल सेट के लिए, अपने वॉइस के लिए, जिसको वॉइस कल्चर बोलते हैं, दैट इज वन टाइप ऑफ प्रैक्टिस। बट मुझको ऐसा लगता है कि उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा गाना सुनना, रागों का जो विचार है या संगीत का जो विचार है उस पे चिंतन होना। और वो चिंतन जब शुरू होता है, चिंतन माने उस चीज़ के बारे में विचार करना, तो फॉर एग्जांपल अभी यमन हो या भूप हो, और उसके बाद की जो फेज है उसको मनन बोलते हैं। और वो ऐसा होता है कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट इज ऑलवेज इनसाइड योर हेड एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस फॉर विच यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जिसको बोलते हैं कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं पर दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वो जो चल रहा है वो म्यूजिकल चल रहा है, तो इसको मनन बोलते हैं। सो ये अलग अलग आई थिंक फेजेस होते हैं लाइफ के, एंड आई एम इन अ फेज वेयर मेरा चिंतन और मनन इसके बीच का इसके बीच में अभी हो, तो वो बहुत चल रहा है इस लॉकडाउन के टाइम में। चलिए राहुल, अब हम लोग सिलसिलेवार शुरुआत करते हैं और आप तो एक ऐसे महान कलाकार के परिवार से आते हैं जो भारतीय शास्त्रीय संगीत को की जो पहचान है पूरी दुनिया में उसमें उनका अहम रोल रहा। मैं बात कर रहा हूँ वसंत राव देशपांडे जी की।
उनके परिवार से आना, और फिर क्या कुछ याद है बचपन, किस तरीके से संगीत के जो संस्कार हैं वो आपके अंदर आए? अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत छोटा था, 3.5 साल का था जब मेरे दादाजी गुजर गए, तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ कि मैं उनके सामने बैठ के मैं सीख नहीं सका। पर उनकी इच्छा थी कि मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो पंडित गंगाधर बुआ पिंपळखरे, जो ग्वालियर घराने के थे, तो उनके यहाँ हो। बिल्कुल, मैं यही इसी सवाल पर आने वाला था कि एक तो संगीत का परिवार में होना और दूसरा उसकी तालीम लेना, एक 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 संस्कार के तहत उसकी उसकी शिक्षा लेना, तो वो आपकी शिक्षा दीक्षा जो हुई वो कैसे हुई, किन गुरुओं से आप सीखे, उसके बारे में हमें बताएं। मैं मेरे ख्याल से पंडित गंगाधर बुआ पिंपळखरे उनके क्लासेस थे, और आई वॉज द यंगेस्ट स्टूडेंट, आई वॉज 5.5 ईयर्स ओल्ड जब मैं उनके पास गया था। उसके बाद 6 साल मैंने उनसे शिक्षा ली, और उसके बाद पंडित विनायक बुआ पटवर्धन के जो सुपुत्र थे डॉक्टर मधुसूदन पटवर्धन, उनके यहाँ मैंने 6 महीना या 1 साल उनके पास सीखा मैंने। और उसके बाद उषाताई चिपलकट्टी, वो भी ग्वालियर घराने की थी, तो उनके पास मैंने 8 साल उनके यहाँ सीखा। और उसके बाद कुमार जी के जो सुपुत्र हैं पंडित मुकुल शिवपुत्र, उनके पास भी मैंने 6-8 साल शिक्षा ली। बिल्कुल राहुल, इस इंटरव्यू को हम लोग आगे बढ़ाएं उसके पहले एक विनम्र गुजारिश करूंगा कि आप कोई एक भजन जो हमारे रागगिरी के श्रोताओं को सुनाना चाहें, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको सुनाना चाहें, कोई भी एक भजन। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा, निर्भय निर्गुण मूल कमल दृढ़ आसन बांधू जी, मूला कमल दृढ़ मूला कमल दृढ़ आसन बांधू जी, उलटी पवन चढ़ाऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण। राहुल, आप के बारे में ये मतलब जो संगीत प्रेमी लोग हैं वो जानते हैं कि आप कुमार गंधर्व जी के बहुत बड़े प्रशंसकों में रहे, आप कह सकते हैं कि आपने उनको बहुत ज्यादा फॉलो किया, तो एक तो दो प्रश्न है इसमें छोटे छोटे मेरे, एक तो यही कि आखिर क्या अलग दिखता था आपको कुमार जी की गायकी में, और दूसरा ये कि क्या कुछ उनसे आपको सीखने को मिला, उनको सुनकर जो आपने सीखा या उनसे उनसे जो भी आपने सीखा उसमें क्या अलग था? कुमार जी के बारे में मैं दिन भर बात कर सकता हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शुरुआत की जो मेरी शिक्षा थी पंडित पिंपळखरे बुआ की यहां, तो मैं इंग्लिश मीडियम में सीखता था, और मुझको क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जो स्कूल में चलता था इंग्लिश गाने या पॉपुलर जो उस टाइम के गाने थे वही मैं सुनता था, और तबला भी सीखता था। पर मैं जब दूसरी कक्षा में था तब मेरी जो क्लास टीचर थी उन्होंने मेरे पिताजी और माताजी को बुला के ये कहा कि राहुल तो बेंच पे तबला बजाता है और स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं, तो आप देखें अगर उसकी स्कूल आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उसका तबला। तो इस वजह से मेरा जो तबले का शिक्षण था वो उस क्लास से मुझको मेरे पिताजी ने और माताजी ने निकाल दिया, यानी वो डिसकंटिन्यू हो गया, और मुझको बहुत ज़्यादा उसका दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और मुझको जैसे मैंने कहा था गाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो हमारे पिंपळखरे बुआ के यहाँ मैं जहाँ बैठता था उसके सामने एक घड़ी थी बड़ी सी, वॉल क्लॉक थी, और मैं एक एक मिनट गिनता था कि अभी कब 9 बजेंगे और कब मैं इधर से छूट जाऊंगा।
तो 6 साल मेरे पिताजी ने देखा और ऐसा उनको लगा कि अरे इसको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो लेट्स नॉट फोर्स दिस ऑन राहुल. सो मेरा जो क्लास था वो बंद हो गया उसके बाद. और आई स्टिल रिमेम्बर, एक बात बताता हूँ मैं पहली, कि कुमार जी और मेरे दादाजी बहुत घनिष्ठ मित्र थे. यानी अगर आपने कुमार जी की बहुत पहले वाली जो ईपीज हैं, शंकरा हो या बागेश्री हो, संजारी हो, तो उसमें उसमें जो तबला है वो मेरे दादाजी ने बजाया था. तो शुरुआत में वो बहुत तबला बजाते थे. तो अगेन कमिंग बैक टू कुमार जी, 12 जनवरी 1992 मुझको वो दिन अभी याद है. उसके बाद 13 जनवरी को सुबह मैंने टीवी पे ये न्यूज़ देखी कि कुमार जी हैज़ पास्ड अवे. एंड आई टोल्ड माय फादर, बिकॉज ही शेयर्ड अ वेरी क्लोज बॉन्ड विद कुमार काका जी. हमारे घर में सब कुमार काका ही बुलाते थे. तो उसके बाद 2 महीने बाद मेरे पिताजी देवास गए थे, और जब वो आए तो 2 कैसेट लेके आए थे. और हमारे घर में एक नया कुछ 2-in-1 या कुछ ऐसा आया था, और कोई घर पे नहीं था, और मैंने वो उसमें से जो एक कैसेट है वो ऐसे ही लगा दी. और मुझको अभी याद है कि जो भजन मैंने सुना था, सुनता है गुरु ज्ञानी, और मैं सुनता ही रहा. एंड आई वॉज ड्रॉन टू दैट सुर. मुझको पता नहीं क्या हुआ, मुझ में एक बदलाव सा आ गया पूरी तरह, और मैं पागल हो गया. मुझको कुमार जी जैसा सुर लगाना था. मेरे लिए संगीत कुमार जी से शुरू होता था और वही पे आके खत्म होता था. उसके आगे मेरे दादाजी हो या एनी अदर सिंगर फॉर दैट मैटर, कोई मायने रखता नहीं था. और मुझको वो गाना सीखना था, तो इसके लिए मैंने उषा ताई से शिक्षा ली. और जैसे मैंने कहा, सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही, झीनी झीनी झीनी, झीनी 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 झीनी, सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी. तो ये सब उस कैसेट में सब जो भजन थे, 2 वीक्स मैंने सिर्फ वो सुना, वो लिखा मैंने. वो बहुत मुश्किल है, कुमार जी के रिकॉर्डिंग सुन के वो शब्द लिखना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, पर मैंने वो किया. और सब जो भजन थे मैंने बिठा लिए, और मैं वो उसके बाद मैं सब कुमार जी के भजन, उनकी उनकी बंदिशें सब गाने लगा. और मेरा सौभाग्य ऐसा था कि मुकुल काका, मैं उनको मुकुल काका बोलता हूँ, तो वो जब घर पे आए थे तो उन्होंने मेरा गाना सुना, और ऊपर बैठे थे तो ऐसे थोड़ा गाना सुनने के बाद आके नीचे बैठ गए. और मैंने कहा कि मुझको आपसे गाना सीखना है. तो कुछ कहा नहीं उन्होंने, और एक बंदिश सिखा दी मुझको. और उसके बाद मेरी शिक्षा आरंभ हुई मुकुल काका के यहां. और मुझको ऐसा लगता है कि गुरु क्या देता है शिष्य को, तो गुरु अपनी प्रकृति दे के जाता है, वो अपने प्रकृति का बना के जाता है अपने शिष्य को. राहुल, कुमार जी की बात चल रही है, और कुमार जी की बात जब भी होती है तो कबीर के भजन बहुत सारे याद आते हैं, ऐसी तमाम चीजें जो कुमार जी ने गाई और जो पूरी दुनिया में आज भी सुनी जाती हैं, सराही जाती हैं. तो बेहद विनम्रता से गुजारिश करूंगा कि कुमार जी का आप हमें कुछ सुनाएं.
गुरु जी मैं तो एक निरंजन ध्यावू जी दूजे के संग नहीं जाऊं जी कहे गोरख जी सुन हाओ मच्छंदर में जोता मिलाऊं जी सतगुरु की मैं शरण गए से सतगुरु की मैं शरण गए से आवा गमन में मिटाऊं जी दूजे के संग नहीं जाऊं जी तो इट्स अ टाइम ट्रेवल माय फ्रेंड्स एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम सो मेनी इयर्स. मेरे दादाजी कहा करते थे कि जब 7 जन्म आदमी रियाज करता है तो 8वां जो जन्म होता है वो गाने वाले का मिलता है. सो मेरा ये प्रवास चालू है और बहुत अच्छा लगता है. राहुल, आपने भारतीय शास्त्रीय संगीत की विधिवत तालीम ली है लेकिन आप लाइट क्लासिकल भी गाते हैं, भजन का जिक्र हमने किया, भजन आपने हमें सुनाया भी, आप ठुमरिया भी गाते हैं, तो क्या दिल के सबसे ज्यादा करीब है ये पूछने की बजाय मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब कोई एक कार्यक्रम आप प्रस्तुत करने के बारे में सोचते हैं या जैसे मान लीजिए एक 90 मिनट का आपका कार्यक्रम है तो किस तरीके से उस कार्यक्रम को प्लान करते हैं, क्या कुछ होता है, क्या ऐसा होता है कि पहले एक ख्याल गाया जाए उसके बाद फिर कुछ ठुमरी गाई जाए या कुछ दादरा गाया जाए या कुछ भजन गाया जाए, कैसे सीक्वेंस क्या करते हैं आप, क्या कुछ आपके दिमाग में होता है? मुझको बहुत दिल से गजल गाना अच्छा लगता है, ठुमरी गाना अच्छा लगता है, नाट्य गीत गाता हूं मैं, भजन गाता हूं, अभंग गाता हूं और ऑफ कोर्स माय फर्स्ट लव इज क्लासिकल म्यूजिक और वो तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मुझको गाना. पर जब मैं मेरा प्रोग्राम प्लान करता हूं तो ये होता है कि अभी सब फास्ट फूड का जमाना है तो बहुत ऑर्गेनाइजर ऐसे बोलते कि आपका जो क्लासिकल है ना वो थोड़ा सा छोटा एक 15-20 मिनट आप सुनाइए या 10 मिनट और उसके बाद नाट्य संगीत या अभंग या ये सब आप करिए. तो मैं एक बात करता हूं कि हमेशा ये फॉलो करता हूं कि पहला एक 45 मिनट्स टू 1 आवर मैं मेरे ऑडियंस को ये बात बोलता हूं मेरे प्रोग्राम में कि मेरी जो बात है वो आप इंटरवल तक सुनिए, उसके बाद आपकी जो बात है आपको जो चाहिए वो मैं गाऊंगा, आपको जो भजन चाहिए, जो ठुमरी चाहिए, जो नाट्य गीत चाहिए वो सब मैं गाऊंगा. तो ऐसे में मेरा कॉन्सर्ट प्लान करता हूँ. अदरवाइज इट्स अ थीम कॉन्सर्ट, सो अगर प्रोग्राम रागदारी का है तो सिर्फ रागदारी गाता हूँ, अगर प्रोग्राम नाट्य संगीत का है तो वैसे करता हूँ. पर दो तानपुरों के बीच में बैठ के मुझको क्लासिकल गाने में जो मजा आता है वो सबसे ज्यादा है. राहुल, कोई एक फ्यूजन जो आप सुनाना चाहें हमें और हमारे सब्सक्राइबर्स को? मुझको ऐसा हमेशा लगता है कि म्यूजिक इज सो क्लोजली रिलेटेड टू द नेचर अराउंड अस और मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूं कि क्लासिकल म्यूजिक या कौन सा भी म्यूजिक ऐसा है कि इफ यू आर अ पेंटर देन एंड इफ यू आर पेंटिंग, अगर एक चित्र आप कर रहे हो, अगर एक पेंटिंग आप कर रहे हो तो आपके पास तो सब रंगों का डिब्बा होता है, तो आप सब जो आता है मन में तो सब रंग आप ऐसे यू डोंट यूज ऑल द कलर्स राइट, अदरवाइज इट विल नॉट लुक गुड. कौन सा रंग कितना किधर जरूरी है
ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और मुझको ऐसा लगता है कि हमारा जो रियाज है एज अ क्लासिकल सिंगर, वो रंगों का जो डब्बा है वैसा होता है कि चलो मुझको तान आता है, तान आती है, मुझको गमक करना आता है, मुझको जबड़ा करना आता है, मुझको सपाट तान करनी आती है, मुझको बहलावा आता है, मुझको ये सब जो स्किल सेट होता है वो सब आता है। वो सब अगर मैं एक ही गाने में या एक ही बंदिश में करूं तो उस बंदिश की उसको जरूरी है वो? फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास तानपुरा नहीं है, मैं होटल में हूं अभी, तो एक एज एन एग्जाम्पल आई विल गिव यू, यार वेना आयो रे, यार वेना आयो रे, यार वेना आयो रे, सोज परना आज मोहे यार वेना, अभी याद मन मोरा करतनी ठुरा रे, याद मन मोरा, मन मोरा याद मन मोरा करदनी ठुरा रे, सूरत दिखा जा आज मोहे यार वेना। इतनी सुंदर बंदिश है कुमार जी की। अभी अगर इसमें मैं आ यार, तो जैसे मैंने कहा कि ये जरूरी है नहीं है, क्यों करना है आपको, क्यों करना है आपको, दिखाना है कि मुझको ये आता है, मुझको वो आता है। संगीत में ऐसा है कि जैसे हम जो संगीत का सफर है वो इतना इंटरेस्टिंग है और हमेशा इट लीड्स टू अ पाथ विच टेक्स यू इफ यू हैव सॉफ्ट फोकस। आई डोंट नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। समझ लो कि आप एक स्काई स्क्रेपर है, उधर से आप छलांग लगा रहे हो और वो जो छलांग है जिसको फेंक बोलते हैं गाने में, खुद को उसमें फेंकना चाहिए, यानी विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। इफ यू जस्ट फ्लिंग योर सेल्फ फ्रॉम अ बिल्डिंग, यू डोंट नो वेर यू आर गोइंग टू लैंड, बट यू नो फॉर अ फैक्ट दैट वेर एवर यू आर गोइंग टू लैंड विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। एंड एक्सप्लोरिंग दैट is I feel the most beautiful thing a musician can do। इसके लिए मुझको ऐसा लगता है कि जब कुमार जी, जब भीमसेन जी, किशोरी ताई, मेरे दादाजी वसंतराव जी, जब भी वो अगर यमन ही गाना है तो यमन अगर हमको every time when you sing यमन, if you are taken on a ride you must be sensitive enough to understand not the intricacies but the little things which are there on your path, that's why you need soft focus। और जब ये होता है तब वो अलग ही सामने आता है। आज उसका सौंदर्य या इट यू माइट फाइंड ब्यूटी इन ओनली एक्सप्लोरिंग वन फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल यार वेना अभी ऋषभ पे मैं काम करूंगा, उस दिन अगर मुझको लगा कि अरे ठीक है गंदार निषाद है तो ठीक है, पर मुझको आज ऋषभ पे ही एक्सप्लोर करना है तो वो अलग हो जाएगा। आज मुझको लगा कि चलो नहीं पंचम करते हैं, या नॉट जस्ट एनी सुर बट इट इज ऑल्सो अबाउट द फ्रेजिंग, ऑल्सो अबाउट द स्टेट, म्यूजिकल स्टेटमेंट दैट यू मेक। आई थिंक अ म्यूजिकल स्टेटमेंट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई आई लाइक कुमार जी इज म्यूजिक। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको ये बताता हूं कि मधुवंती की उनकी बंदिश है, बैरन बरखा रे तू आ, ये
बैरव ना बरघार तो आ ये बोल न लागे मन विहंग पावे आमुरे पिया बेन कछु न सुहावे बैर न बरघार तो आ। सो ये म्यूजिकल स्टेटमेंट है, इसके लिए मुझको नहीं लगता कि आपको अगर बंदिश ऐसे ही कह दे आप, रख दे सामने, तो लोग कहेंगे क्या बात है, क्या व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग दिस इज। राहुल जी अगर आप हमें एक ठुमरी सुनाएं तो आप हमें बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ठुमरी की बात ही अलग है। ठुमरी जो है मुझे लगता है कि उपशास्त्रीय संगीत की जितनी विधाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर आप उसको कह सकते हैं। तो एक ठुमरी कोई जो आपकी पसंद की हो। चलो मैं खमाज की ठुमरी सुनाता हूं। मैं कैसे आऊं बालुमान बालुमान बालुमान, मैं कैसे कैसे आऊं बालुमा, एक तो मेहा एरी झमा झम चमके, एक तो मेहा एक तो मेहा एक तो तो मेहा एरी झमा झम चमके, दूजे पावल झकोरी रे, मैं कैसे आऊं बाल मां कैसे आऊं बालुमा, मैं कैसे आऊं बालुमा, मैं कैसे आऊं बालुमा। राहुल मैं आखिरी सवाल जो है वो मेरा पंडित रविशंकर जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पंडित जी भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा चमकता सितारा थे जिसकी चमक आज भी पूरी दुनिया में है, भारत में तो है ही है। पंडित जी ने भी बहुत सारा फ्यूजन किया, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि फ्यूजन करूंगा लेकिन शास्त्रीयता के साथ कोई समझौता नहीं होगा, शास्त्रीय संगीत के साथ कोई समझौता नहीं होगा। राहुल देशपांडे जब किसी फ्यूजन के लिए हामी भरते हैं या कुछ कंसीव करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, वो किस तरह से उसके लिए आगे बढ़ते हैं, कैसे प्लान करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा सा बताइए। फ्यूजन के लिए ना बहुत यू नीड अकम्पनीमेंट। सो फ्यूजन है क्या कि फ्यूजन का ऐसा है कि मुझको लगता है सबसे अच्छा फ्यूजन हमारे फिल्म हिंदी फिल्म्स में हुआ है, फिल्म म्यूजिक में हुआ है, विच हैज बीन एबल टू यू नो इन्फ्यूज ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। सो जैसे रवि जी ने भी किया था, आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स। और जैसे मैंने कहा कि फिल्मों में बहुत अच्छे से फ्यूजन होता है, अलग अलग अफ्रीकन म्यूजिक हो या लैटिन म्यूजिक हो या वेस्टर्न म्यूजिक हो, तो
आजकल जो फ्यूजन चलता है वो फ्यूजन से ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर आपको वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाना हो तो उसको फ्यूजन क्यों बोलते हैं मुझको पता नहीं। अगर तबले के बजाय आप ड्रम लेते हो तो उसको आजकल फ्यूजन बोलते हैं। और मैं ये सब बहुत ज्यादा करता था, पर मैं आपको एक बात दिल से बताऊं कि मेरे लिए जब मैं ज्यादा ये बातें करता हूँ मेरे पिताजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक वो बहुत प्योरिस्ट है। पर आई एंजॉय डूइंग फ्यूजन अ लॉट, और त्रिलोक दादा के साथ या रणजीत भाई के साथ मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। पर वो उनका जो विजन है वो फॉलो करना, या वो फॉलो करके अगर वो प्रोग्राम प्रस्तुत होता है तो उसमें थोड़ा मीनिंग आता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ड्रम्स के साथ अगर मैं अलबेला गाता हूं, अलबेला सजन आयो रे टक टिक 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 टक टिक, तो इसमें श्रोताओं को मजा आता है। पर अगर आप मुझको ऑनेस्टली पूछे तो ठीक है, अभी मैंने ये सब बहुत बहुत ज्यादा किया है, और उसमें जो मजा आता था वो उतना मजा अभी नहीं आता मुझको ऑनेस्टली, क्योंकि तो हम क्या करते हैं, एक परफॉर्मर के नाते, परफॉर्मर ये यूज कर रहा हूं मैं वर्ड, यू हैव टू एंटरटेन, थोड़ा प्रबोधन भी करना चाहिए। तो अभी एंटरटेनमेंट फैक्टर ज्यादा हो गया है, उसके साथ आपको एक्स फैक्टर चाहिए। मुझको ये पता नहीं कि म्यूजिक में एक्स फैक्टर माने क्या। अगर आपको अच्छा संगीत सुनना हो, अगर आप अच्छा संगीत सुन रहे हो, तो नेचुरली आपके आपकी जो आंखें हैं वो बंद होनी चाहिए, और आपको उस अनुभव में आनंद मिलना चाहिए, ना कि ओह क्या बात है। इट्स नॉट अ विज, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल आर्ट, ऐसा मुझको लगता है। राहुल, आपने हमारे लिए समय निकाला, आप को रागगिरी की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये दुआ है ईश्वर से कि आपकी जो संगीत साधना है, आपके जो संस्कार हैं, यूं ही कायम रहे और उनमें मिठास आए, और आप यूं ही हमें अच्छा अच्छा संगीत देते रहें। एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं।